हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आनंद और आपका हमारे चैनल आनंद बज में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा के बारे में। मनिका बत्रा भारत की टॉप रैंक टेबल टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम 2018 में टेबल टेनिस महिला सिंगल्स फाइनल में सिंगापुर की मियांग यू को हराकर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने के बाद मनिका बत्रा रातों रात स्टार बन गई थी, क्योंकि जब से इस खेल को इस गेम में शामिल किया गया था तब से सिंगापुर महिला टेबल टेनिस टीम कभी नहीं हारी थी। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं मनिका बत्रा के बारे में, उनकी अभी तक की लाइफ जर्नी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक बटन को दबा दे। मनिका बत्रा का जन्म 15 जून 1995 को नारायण विहार दिल्ली में हुआ है। मनिका बत्रा के फैमिली में उनके माता पिता के अलावा एक बड़े भाई साहिल बत्रा और एक बड़ी बहन अंचल बत्रा है। उनके भाई बहन भी टेनिस खेला करते थे, लेकिन भाई ने बाद में टेनिस को छोड़कर स्टडी पे फोकस किया। वही उनकी बड़ी बहन नेशनल लेवल तक टेबल टेनिस खेलने के बाद डिफेंस में जॉब करने लगी। लेकिन मनिका बत्रा के दोनों भाई बहन ने मनिका को टेनिस में आगे बढ़ाने के लिए खूब सहयोग किया। मनिका जब 4 साल की थी तभी से वह अपने भाई बहन को टेनिस खेलते हुए देखकर टेनिस खेलने लगी थी। टेनिस खेलते हुए 8 साल की उम्र में राज्य स्तरीय अंडर 8 टूर्नामेंट में एक मैच जीतने के बाद मनिका बत्रा ने टेनिस कोच संदीप गुप्ता से टेनिस सीखने का फैसला लिया। संदीप गुप्ता ने उन्हें अपने खेल एकेडमी हंसराज स्कूल में जाने का सुझाव दिया और वहीं से मनिका बत्रा ने टेनिस सीखी। मनिका बत्रा को खेल से इतना लगाव था कि जब वह 12th पास आउट की तब वह आगे की पढ़ाई के लिए जेसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया, लेकिन खेल में ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। मनिका बत्रा को खेल से तो काफी लगाव था, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होने की वजह से टीन एज में ही उन्हें मॉडलिंग के कई ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने खेल में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए मॉडलिंग के ऑफर को ठुकरा दिया। कुछ समय बाद मनिका बत्रा टेनिस में धीरे धीरे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर मेडल जीतने लगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि जब मैं मेडल जीतने लगी थी तब मुझे काफी हिम्मत मिलने लगी थी और टीवी में बड़े बड़े टेनिस प्लेयर को देखकर मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन अपने देश के लिए ऐसे ही मेडल जीत कर लाऊंगी। 2011 में मनिका बत्रा ने चिली ओपन के अंडर 21 वर्ग में रजत पदक जीती। उसके बाद वह साल 2014 में राष्ट्रीय खेलों में क्वार्टर फाइनलिस्ट भी रही। साल 2015 में ही मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीती, जिसमें वह महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक और महिला युगल स्पर्धा और महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीती। उसके बाद साल 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में भी मनिका बत्रा ने 3 स्वर्ण पदक जीती, जिनमें महिला युगल स्पर्धा, मिश्रित युगल स्पर्धा और महिला टीम स्पर्धा थी। दक्षिण एशियाई खेलों में 3-3 स्वर्ण पदक जीतने के बाद मनिका बत्रा को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के महिला एकल स्पर्धा के लिए भी चुन लिया गया। हालांकि इस ओलंपिक में वह पहले ही राउंड में हार गई थी और ओलंपिक से बाहर हो गई थी। उसके बाद 2018 में मनिका बत्रा ने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 राष्ट्रमंडल खेल में 4 बार के विजेता चैंपियन सिंगापुर के खिलाफ उन्होंने फाइनल में स्वर्ण पदक जीती। साल 2002 में इस खेल को शामिल किए जाने के बाद सिंगापुर की महिला टेबल टेनिस टीम राष्ट्रमंडल खेलों में कभी नहीं हारी थी और उन्हें मनिका बत्रा ने 3-1 से हरा दिया था। मनिका बत्रा सिंगापुर की यू मेंग्यू को हराकर राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इस खेल में वह 4 स्पर्धाओं में 4 पदक जीती थी, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य थी। 2018 में वह द ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। साल 2020 में मनिका बत्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं। 16 साल की उम्र में मनिका बत्रा ने स्वीडन में पीटर कार्लसन एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए स्कॉलर लेने से भी मना कर दिया था। मनिका बत्रा के पिता को मेंटल हेल्थ इश्यू है, इसके बावजूद भी उनके पिता हमेशा उनके मैच को टेलीविजन पर देखा करते हैं। जब एक इंटरव्यू में मनिका बत्रा से यह पूछा गया था कि अगर वह टेबल टेनिस प्लेयर नहीं होती तो क्या होती, तो उन्होंने हंसते हुए यह कहा था कि अगर वह टेबल टेनिस प्लेयर नहीं होती तो एक डांसर होती या फिर लॉन टेनिस प्लेयर होती। मनिका बत्रा साल 2018 में फेमिना और वोग मैगजीन के कवर पर भी फीचर हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको मनिका बत्रा के बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।